हरदोई में कल 1 सितंबर को अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होगा। अवैध अतिक्रमण वाले स्थानों की पहचान कर ली गई है और 7 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है। अभियान के तहत यातायात की सुविधा और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास बजारिया में युवक को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। मर्डर की वारदात को अंजाम देकर आरोपी युवक मृतक के शव को सड़क पर फेंककर मौके से भागने लगा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अभी तक जानकारी मिल पाई है? देखिए, जितेंद्र मौर्या नाम के एक व्यक्ति ने चाकू से 4-5 बार वार पहुंचा करके रेलवे स्टेशन इटावा के आसपास जहाँ पर चाय पान की दुकान है वहाँ पर जो है हमला करके एक मोनू यादव नाम के व्यक्ति के गले पर 4-5 बार वार करके उसको उसकी मृत्यु हो गई है, उस पर वार पहुंचाया। और इस संदर्भ में मुझे कहना है कि जो इसके पीछे जो पता चला है कि प्रथम दृष्टया जो अभी हमारे सभी अधिकारियों ने जो थोड़ी बहुत जांच किया है, इसमें SPCT, COCT और इंस्पेक्टर सिविल लाइन्स इत्यादि ने जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये आया है कि ये जो मृतक है वो इनके यहाँ जितेंद्र मौर्या के यहाँ नर्सरी पर काम करता था। उसी दौरान उसके सिस्टर से उसके रिलेशन या प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई थी। कुछ वर्ष पहले, 1.5 साल के आसपास पहले इन दोनों का विवाह भी, इंटरकास्ट मैरिज भी हो गया था। शिकोहाबाद के सरकारी अस्पताल में बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। शुक्रवार को OPD में 1100 नए और 500 पुराने मरीजों का इलाज हुआ। भीड़ के चलते मरीजों को घंटों लाइन में लगना पड़ा। संचारी रोगों की वजह से अस्पताल में हमारी बहुत भीड़ है। भीड़ क्या, इतनी भीड़ है कि जिला अस्पताल से भी ज्यादा जो है ना भीड़ है। इस समय 1200 लोगों की OPD है, नहीं और पुरानी वो अलग है। और इस समय 90% लोग फीवर के आ रहे हैं जिनको हम जांच करा रहे हैं। अभी तक इस क्षेत्र में कोई डेंगू का केस नहीं निकला है। मलेरिया भी एक निकला था, उसके पूरे क्षेत्र में जो है RIT में जाके दौरा किया है, सबकी ब्लड सैंपल बनाई है। बाकी अमूमन जो इन दिनों जो है ना भीड़ इतनी हो जाती है। जिलाधिकारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने जिले भर में छापेमारी की। जैतपुर में अवैध क्लिनिक पर दस्तावेजों की कमी और दवाइयों मिली। अभी हॉस्पिटल में बिना डॉक्टरी दस्तावेज के सिजेरियन ऑपरेशन हुआ। फातिमा हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में कोई स्टाफ नहीं मिला। सभी संस्थानों को नोटिस जारी कर दस्तावेज मांगे गए हैं। छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। क्लिनिक का निरीक्षण किया गया जिसमें हम 4 जगह जा पाए थे और पहली जगह जिसका नाम उमेश था वो अवैध क्लिनिक चला रहा था। मैंने कई बार सुविधाएं दी थी बट वो बंद नहीं किया। मैंने आज जो है सूचना के आधार पर उसके पास जब गया तो देखा कि उसके पास कोई डिग्री नहीं थी उसके पास, और वो अंदर 3 बेड का हॉस्पिटल डाला हुआ था और कई सारी दवाइयां मिली वहाँ पे, पेशेंट भी हमें मिले वहाँ पे। और जब मैं से रजिस्ट्रेशन मांगा तो उसके नाम पर कोई दिखा नहीं पाया। और कई बार जब मैंने उससे फोर्स किया कि नहीं ये तो अवैध है, तुम अवैध चला रहे हो, तो वो अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलने की कोशिश किया, जिससे हमने पुलिस को बुला लिया और जो है उसको खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र में पशुपालन विभाग की लापरवाही के चलते सरकारी टीकाकरण के बाद दर्जनों बकरियां मर गईं। 29 अगस्त को मधुपुर सरकारी पशु अस्पताल में टीकाकरण के बाद बकरियों की हालत बिगड़ी जिससे कई बकरियों की मौत हो गई। पशुपालक गुलाब यादव ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने मौके पर जाकर जानकारी ली और पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने पोस्टमार्टम शुरू किया। क्षेत्रीय पशुपालक का आरोप है कि सरकारी अस्पताल में कोई मदद नहीं मिलती और सभी सेवाओं के लिए पैसे देने पड़ते हैं। फिरोजाबाद में थाना उत्तर पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2 चोरी की बाइक, 17 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं जिनकी कीमत 1.5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इन चोरों ने कई जगहों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है। हरदोई में ग्राम प्रधान इकबाल को हिस्ट्री शीटर घोषित किया गया है। आरोपी प्रधान पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं जिनमें 2018 से अब तक 7 मुकदमे शामिल हैं। SP नीरज कुमार जादौन के आदेश पर की गई जांच से प्रधान की कारगुजारियां उजागर हुई हैं। कुछ गंभीर मामले कोर्ट में लंबित हैं। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान त्रिवेणी शुक्ला के मर्डर के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों महेश सोनकर, आदित्य यादव और सौरभ गुप्ता को गिरफ्तार किया है।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें 5 लाख की सुपारी दी गई थी। उन्होंने त्रिवेणी शुक्ला को ऑटो से ले जाकर गमछे से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की घाट उतार दिया। पुलिस ने उन्हें मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। पौड़ी के जिले के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में गुलदार ने एक बच्चे की जान ले ली, जिसके बाद से दहशत फैली हुई है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस, वन विभाग और जिला प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पुलिस स्कूलों में गश्त कर रही है और बच्चों को सुरक्षा दी जा रही है। गुलदार के द्वारा एक बच्चे के ऊपर अटैक किया गया, जिसमें पब्लिक में काफी आक्रोश है उसको लेकर, और हमारे वहाँ पे जो लोकल पुलिस है और साथ में जो पुलिस की टीम और जो फॉरेस्ट की टीम्स हैं वो साथ मिलकर काम कर रही हैं। फॉरेस्ट की टीम ने एक गुलदार को उसमें पकड़ा भी है, और साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन की और फॉरेस्ट की टीम्स वहाँ पे अवेयर भी कर रही हैं लोगों को। एक तो संध्या होने के उपरांत कभी भी आप बाहर ना निकलें, खासकर बच्चे और जो छोटे उम्र के लोग हैं वो कभी भी। रुद्रप्रयाग के अमसारी बाजार में आज दोपहर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी संजीव त्यागी, जो दिल्ली का निवासी है, फरार हो गया। पूजा देवी की अपने पति से कुछ समय से अनबन चल रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्राइम सीन को सीज कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गंभीर सड़क दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए। छात्र ई रिक्शा से उतरते ही बाइक से टकरा गया। सैमरी टोल पेट्रोलिंग टीम ने तुरंत घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिरगांव भेजा। घटना की गंभीरता को देखते हुए पेट्रोलिंग स्टाफ ने घायलों को गोद में उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें झांसी रेफर कर दिया गया। इस स्थिति पर सवाल उठाते हुए स्थानीय अधिकारियों की संवेदनशीलता की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। हरिद्वार में कुछ ब्लॉगर सोशल मीडिया पर फॉलोइंग बढ़ाने के लिए कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, लोगों से मारपीट कर रहे हैं और संवेदनशील मुद्दों को लाइव दिखा रहे हैं। एसएसपी प्रमोद सिंह डोबाल ने ऐसे ब्लॉगरों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है और कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कांग्रेस नेताओं ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना दिया। वो हाल ही में रुड़की के मधुपुर गांव में वसीम उर्फ मोनू की मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की और इस मुद्दे को देहरादून और दिल्ली तक ले जाने की बात की। झांसी के माओरानीपुर तहसील से खबर है, जहां तहसील परिसर में बनी पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ गया और तहसीलदार मुर्दाबाद किनारे लगाते हुए खुदकुशी करने की कोशिश करने लगा। घटना की सूचना पर पहुंचे उप जिलाधिकारी सहित पूरे क्षेत्र अधिकारी और कोतवाली प्रभारी द्वारा काफी मशक्कत के बाद पानी की टंकी पर चढ़े युवक को नीचे उतारा गया। कानपुर में भारत रक्षा जन सुरक्षा मंच ने राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर फरुखाबाद में दलित किशोरियों के साथ हुई निर्मम घटना के बाद उनका जल्दबाजी में अंतिम संस्कार और रायबरेली में दलित युवक के मर्डर की जांच की मांग की है। ज्ञापन में मामले की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश से कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की गई। पत्रकार बंधुओं, मैं राजेश गौतम, जनरल सेक्रेटरी भारत रक्षा जन सुरक्षा मंच, और हमारे बाएं हमारे सीनियर और इस मंच के अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र यादव खड़े हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि जन्माष्टमी की रात को फरुखाबाद के कायमगंज के भगवतीपुर गांव में कायमगंज थाने के अंतर्गत मेले में 2 दलित बच्चियों को रात को 18 साल की 15 साल की बच्चियों को गायब कर दिया गया। गायब करने के बाद में उनकी हत्या करके उनको एक आम के पेड़ से लटका दिया गया। उन बच्चियों के शरीर पर बेइंतहा चोट के निशान थे। उन बच्चियों के सर में कांटे उलझे हुए थे। पास में ना कोई सीढ़ी थी ना कोई घुड़िया थी, तो 15 फीट ऊंचे पेड़ से उन लोगों ने कैसे लटक के फांसी दी। और निश्चित रूप से पुलिस ने इस मामले को दबाने के लिए, चूंकि वो कमजोर और निर्बल वर्ग से थे, इस मामले को दबाने के लिए जल्दी से अंतिम संस्कार कर दिया गया। लखीमपुर खीरी में बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में वनकर्मी खुद ही फंस गया और करीब 2 घंटे बाद उसे बाहर निकाला गया। बता दें, हाल ही में बाघ के हमले से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पिंजरा तोड़कर वनकर्मी को बचाया गया।